तरंग से हमारा अभिप्राय है, जैसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब स्थिर पानी के ऊपर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने के बाद में वो लहरों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ता जाता है, इसी को हम तरंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तरंग किसी स्रोत के द्वारा स्रोत का मतलब हम यहां पर पत्थर से ले रहे हैं, जब हम पत्थर को पानी में फेंकेंगे तब उसके कारण जो होगी उसको हम तरंग कहेंगे। तो यहां पर स्रोत हम पत्थर के रूप में ले रहे हैं, किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ या हम विक्षोभ को हलचल भी कह सकते हैं, अर्थात हलचल जब हम स्रोत के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ अर्थात हलचल एक बिंदु से अंतिम बिंदु तक संचरण होता है, तो उसे तरंग कहते हैं। इस प्रकार से यदि इस विधि के द्वारा होगी तो उसको हम तरंग गति कहते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न गति को तरंग गति कहते हैं। इसको हम एक स्थिर पानी में पत्थर के द्वारा समझा सकते हैं, जैसे यह पानी है, जब स्थिर पानी है और स्थिर पानी में हम पत्थर फेंकते हैं कि पत्थर हमने इसके यहां पर फेंका तो इसके कारण क्या होगा, ये एक तरह से विक्षोभ उत्पन्न होगा, इस प्रकार से ये अगले वाले को पहुंचाएगा, इससे अगले वाले को, इस प्रकार से ये एक दूसरे के आगे के बिंदु तक पहुंचाता रहता है और इस प्रकार से जो उत्पन्न होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। यहां पर इस पत्थर के कारण जो विक्षोभ हुआ है या हलचल हुई है उसी को हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। तो यहां पर इसको हम तरंग गति। इस प्रकार से हम तरंग की परिभाषा बता सकते हैं।